प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। बिहार के कई स्टेशनों से बुलेट ट्रेन, जो तेज रफ्तार वाली ट्रेन है, बुलेट ट्रेन, वो बिहार में मिल रहा है। यानी कि बिहार वासियों को अब बिहार से कहीं भी बाहर जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, इन बुलेट ट्रेन से आपका सफ़र जो है वो काफ़ी आसान होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से बिहार वासियों को बुलेट ट्रेन का एक नया सौगात मिला है और पटना में बुलेट ट्रेन रुकने को लेकर के, स्टेशन बनाने को लेकर के बड़ी तैयारी जो है रेल प्रशासन के द्वारा की जा रही है। 3 जगह ऐसे हैं जहां पे बुलेट ट्रेन रुकेगी और पटना में एक स्थान ऐसा है जहां पर बुलेट ट्रेन रुकेगी और इसके लिए तैयारियां जो है वो शुरू होने वाली है। आपको बताएं कि अभी जगह को लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि फुलवारी शरीफ में बुलेट ट्रेन के लिए स्टेशन बनाया जा रहा है, तो पटना शहर के लोगों को करीब 15 किलोमीटर, बिहटा में बनने पर करीब 25 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। इस लिहाजा से पटना शहर के विस्तार और भविष्य की योजना को देखते हुए स्थान का निर्धारण किया जाना है। पूरी संभावना है कि बुलेट ट्रेन का स्टेशन पटना एम्स के आसपास बनने पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बनने जा रहे दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पूरी तरीके से एलिवेटेड रहेगा। एलिवेटेड रेलखंड की ऊंचाई 2 मंजिला मकान के बराबर होगी। यह रेलखंड दिल्ली से वाराणसी, लखनऊ, बक्सर, पटना होते हुए हावड़ा तक बनाया जाना है। पटना और दिल्ली के बीच सिर्फ 3 जगहों पर बुलेट ट्रेन का ठहराव होगा। इधर पटना के बाद गया होते हुए ट्रेन सीधे हावड़ा तक जाएगी। बुलेट ट्रेन चलने के बाद बिहार से कोलकाता और दिल्ली जाने में समय जो है वो बचेगा। इसके अतिरिक्त पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हाई स्पीड ट्रेन के कारण पर्यटक आराम से एक ही दिन में बिहार से दिल्ली या कोलकाता जा सकेंगे और आ भी सकेंगे। इस परियोजना को गया को खास उम्मीद है। काशी के बाद गया में ही सबसे अधिक विदेशी सैलानी आते हैं। इस कारण बुलेट ट्रेन गया के साथ साथ पर्यटन का हब जो है वो बनने वाला है। बिहार में बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन पटरी पर जल्दी दौड़ने वाली है। बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए जमीनी स्तर पर काम भी शुरू हो चुका है। रेल प्रशासन की ओर से एलिमेंटेड के मुताबिक दिल्ली से कोलकाता जाने वाली बुलेट ट्रेन के गया ठहराव से होकर गुजरनी है। अब बिहार में बुलेट ट्रेन के लिए 3 ठहराव निर्धारित किए गए, उनमें बक्सर है, पटना है और गया है। इन जगहों पर ट्रेन का ठहराव होगा। इन 3 जगहों पर स्टेशन बनाने का काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से शुरू होने वाला है। जानकारी के मुताबिक पटना के फुलवाड़ी और फिर बिहटा इलाके में एक स्टेशन जो है वो बनाया जाने वाला है। तो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को चलाने को लेकर के विस्तारीकरण बिहार में भी शुरू हो गया है। बिहार वासियों को जल्द ही दिल्ली जाना हो, हावड़ा से कोलकाता जाना हो या फिर कई जगहों पर जाने के लिए बुलेट ट्रेन का परिचालन अब बिहार के 3 स्टेशनों से करना होगा। आपको पटना में जो है बिहटा में या फिर फुलवारी शरीफ में स्टेशन बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ गया में ट्रेन रुकेगी, बक्सर में ट्रेन रुकेगी, फिर पटना के बिहटा में अगर बनता है तो वहाँ रुकती है, नहीं तो फुलवारी में रुकती है। तो बुलेट ट्रेन का सपना बिहार वासियों का अब पूरा होने वाला है और जल्द ही इसकी शुरुआत बिहार की राजधानी पटना से होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए द बिहार टॉक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।